Dr. Shruti's Health, Diet, Travel and Lifestyle, a channel to help you stay healthy and stay happy. Hello friends, welcome to Dr. Shruti's channel and welcome once again to Healthy Cooking, Happy Cooking. आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी पनीर चटाका, पनीर की इजी, क्विक एंड कलरफुल रेसिपी. वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये याद दिला दूं कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ध्यान से प्रेस जरूर करिए. अगर आगे भी आप ऐसी हेल्दी कुकिंग से रिलेटेड और डिशेस सीखना चाहते हैं और हेल्थ और फिटनेस टिप्स बराबर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. पनीर चटाका पनीर की चटपटी इजी क्विक एंड कलरफुल रेसिपी है विच इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसके लिए हमने लिया तकरीबन 200 ग्राम पनीर, आधी लाल शिमला मिर्च, आधी हरी शिमला मिर्च और आधी पीली शिमला मिर्च पतले और लंबे टुकड़ों में कटी हुई, एक मध्यम आकार की गाजर पतले और लंबे टुकड़ों में कटी हुई, टोमेटो केचप, शेजवान चटनी या सॉस, स्वाद अनुसार नमक, डेढ़ चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, खाने का तेल. फायदे देखिए पनीर, कैप्सिकम और कैरेट के. सबसे पहले मैं कढ़ाई को मध्यम आंच पर गैस पर चढ़ा दिया है और तकरीबन एक चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड किया है. जब तेल हल्का गर्म हो जाए तब इसमें एक मध्यम आकार की लंबी और पतली टुकड़ों में कटी हुई गाजर ऐड कर दीजिए और तकरीबन एक से डेढ़ मिनट तक पकाइए. आप चाहें तो इसको ढककर पकाएंगे तो जल्दी से पक जाएगा. डेढ़ से दो मिनट बाद ढककर खोलेंगे और गाजर में हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च ऐड करके सारी सब्जियों को एक बार फिर से मिक्स कर दीजिए. इसके बाद इसमें पतले और लंबे टुकड़ों में कटी हुई पनीर डाल दीजिए. ध्यान दीजिए मिक्स करते वक्त पनीर के टुकड़े टूट ना जाए, हल्के हाथों से मिक्स करिए. अब इसमें स्वाद अनुसार नमक, डेढ़ चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल दीजिए. सारी सब्जियों को हल्के हाथों से मिक्स कीजिए और ढककर 5 से 7 मिनट के लिए पकाइए. तकरीबन 1 से 1.5 मिनट बाद एक बार ढककर हटाकर सारी सब्जियों को एक बार फिर से मिक्स कर दीजिए. और एक बार फिर से ढककर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए. 5 से 7 मिनट बाद मध्यम आंच पर जब आप ढक्कन खोलेंगे तो आपकी सब्जियां लगभग पक चुकी हैं. अब इसमें शेजवान सॉस जो आसानी से किसी भी किराने की दुकान पर आज उपलब्ध है. मैं खाऊंगा सबसे पहले, मैं खाऊंगा. और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच टोमेटो केचप ऐड कर दीजिए. और फिलहाल गैस बंद कर दीजिए. है ना ये इजी क्विक एंड हेल्दी रेसिपी. सर्व करने से पहले इसको कटे हुए हरी प्याज के पत्तों
और किसे हुए पनीर ग्रेटेड चीज से गार्निश करना बिल्कुल ना भूलें। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है इजी क्विक एंड हेल्दी चटपटी पनीर चटाका। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।